बालको फुटबॉल लीग 2013 बालको नगर के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में धूमधाम से आयोजित हुआ। प्रतियोगिता में पहली बार बालको की विभागीय टीमों के अलावा बालको टाउनशिप में निवासरत बालको कर्मचारियों के परिवारजनों को भागीदारी का अवसर मिला। आयोजन का उद्देश्य खेल के माध्यम से अधिकारियों, कर्मचारियों और बालको टाउनशिप के नागरिकों के पारस्परिक संबंधों व टीम भावना को मजबूत बनाना और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना था। 46 टीमों ने आयोजन में भागीदारी की। बालको के एल्युमिनियम ऑपरेशन प्रमुख श्री दीपक प्रसाद ने स्पर्धा का उद्घाटन किया। बालको फुटबॉल लीग के उद्घाटन अवसर पर श्री प्रसाद और बालको के कर्मचारी संबंध प्रमुख श्री विनोद जी नायर ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें उत्कृष्ट खेल दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया। बालको मैनेजमेंट की तरफ से एचआर के टीम के द्वारा जो ये इनिशिएटिव लिया गया है, इसके लिए सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ एचआर टीम को। और खेल को खेल की भावना से खेलें, प्रतिस्पर्धा की भावना से खेलें और इसका आनंद लें। जब तक आप एंजॉय नहीं करेंगे इस गेम को, मजा नहीं आएगा। फाइनल में पुरुष वर्ग का खिताब सेक्टर 7 की टीम ने जीता। वहीं महिला वर्ग में प्लांट फीमेल टीम विजयी हुई। पुरुष वर्ग में सेक्टर 7 की टीम ने आउटसोर्स पार्टरूम की टीम को 1-0 से हराकर खिताब पर कब्जा किया। तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में कास्ट हाउस 2 एवं 3 की टीम ने स्मेल्टर कमिश्निंग पर 3-0 से जीत दर्ज की। महिला वर्ग में संयंत्र की टीम ने बालको अस्पताल की टीम को 1-0 से हराकर ट्रॉफी जीती। तीसरे स्थान पर बालको महिला मंडल की टीम रही, उसने टाउनशिप को 2-0 से हराया। बालको प्रबंधन और संयुक्त परामर्शदाता समिति के बीच आयोजित सद्भावना मैच बराबरी पर छूटा। बड़ी संख्या में बालको अधिकारियों, कर्मचारियों, उनके परिवारजनों और बालको नगर के खेल प्रेमियों ने स्पर्धा का आनंद उठाया। बालको के वाणिज्य प्रमुख श्री प्रांतिक दास गुप्ता ने पुरस्कार वितरित किए। श्री दास गुप्ता ने विभिन्न टीमों की भरपूर हौसला अफजाई की। आसन किसी का अच्छा नहीं लगे, आधा जब बैठे ही ठीक रहेगा मैडम। अरे बैठ जा मामा, चाहिए मत। अरे दो आदमी बैठ जाओ। कर्मचारी संबंध प्रमुख श्री विनोद जी नायर ने आभार जताया।